नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो दिल्ली एनडीए संसदीय दल की बैठक अब शुरू हो गई है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। पुराने संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक हो गई है। बैठक को संबोधित करेंगे एनडीए के बड़े नेता राजनाथ सिंह। बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक के अंत में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा और इसके बाद सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री को नेता चुन लिया जाएगा। तो ये पूरा कार्यक्रम आज है। तमाम नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। पुराने संसद का ये जो सेंट्रल हॉल है, जहां पर इस वक्त आप तमाम नेताओं को देख रहे हैं जो संसद में चुनकर आए हैं, यानी कि सांसद है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। पुराने संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की ये बैठक हो रही है। बैठक को संबोधित करेंगे पहले एनडीए के बड़े नेता राजनाथ सिंह। बैठक को संबोधित करने वाले हैं और सबसे अंत में प्रधानमंत्री मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। आप देख रहे हैं जो घटक दल है वो भी किस तरह से मंच के सामने ही बैठे हुए हैं। बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं क्योंकि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और आज उन्हें नेता चुन लिया जाएगा। चुनने के साथ ही शपथ ग्रहण कब होगा इस तारीख पर भी पूरी तरह से मुहर लग जाएगी। जितने भी घटक दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान को देख रहे हैं, हम पार्टी के नेता को देख रहे हैं, अनुप्रिया पटेल को आप देख रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू वहां पर उपस्थित है मंच पर। और ये देखिए, ये बाहर की तस्वीरें आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो पुरानी संसद है उसका सेंट्रल हॉल है, जहां पर ये मीटिंग रखी गई है एनडीए के संसदीय दल की। और अब प्रधानमंत्री अंतर दाखिल होते हुए नरेंद्र मोदी चुने जाएंगे संसदीय दल के नेता। 293 सीटों के साथ बहुमत में सरकार बनाने जा रही है एनडीए और अपने जितने भी घटक दल है वो भी वहां पर मौजूद है। कुछ देर में सर्वसम्मति के साथ एक औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का। 292 और हम आपको वो आंकड़ा भी दिखा रहे हैं, इंडिया गठबंधन का भी आंकड़ा दिखा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें, 293 सीटों के साथ अब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। शपथ 9 तारीख का अभी फिलहाल जो खबर है वो 9 तारीख को शाम के 7 बजे शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि स्थिति आज स्पष्ट हो जाएगी तारीख को लेकर पूरी तरह से जब ऐलान कर दिया जाएगा। और उससे पहले जो तस्वीर सामने आ रही है वो पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल की है, जहां पर आज एनडीए के घटक दल मौजूद हैं। एनडीए के संसदीय दल की बैठक चल रही है और अब रिसीव करके जेपी नड्डा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लेकर आ रहे हैं और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की तो शपथ तीसरी बार अब वो लेंगे 9 तारीख को, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत। सर्वसम्मति से पहले ही हमने देखा था घटक दलों की जब मीटिंग हुई थी एनडीए संसदीय दल की, इससे पहले उसी में चुन लिया गया था। सुनते हैं, स्वागत है भाई स्वागत है। हम सब के लिए गर्व और गौरव का क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री जी संविधान को नमन कर रहे हैं। भारत माता की वंदे। स्वागत है भाई स्वागत है। हमारा लिए बड़ा गर्व और हर्ष का क्षण है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूंगा कि वो गमछा और पुष्प गुच्छ के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, स्वागत है भाई स्वागत है। फिर तीसरी बार। आज
इस एनडीए की बैठक में मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वे स्वागत भाषण के साथ आज की इस बैठक को प्रारंभ करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हम जोरदार करतल ध्वनि के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सेवा और संगठन के द्वारा जो विस्तार किया है, हम सब उनका अभिनंदन करते हैं। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे हमारे सभी एनडीए के घटक दल के सभी वरिष्ठ नेतागण, यहां उपस्थित हमारे सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी एनडीए के नवनिर्वाचित हमारे सांसदगण और हमारे सभी संसदीय दल के सांसदगण, ये एक ऐतिहासिक पल और ये एक ऐतिहासिक घड़ी जिसका हम सबको इंतजार था, वह घड़ी आ गई है और हम सब लोगों ने तीसरी बार लगातार हमारे एनडीए के गठबंधन के नेता के रूप में अपने आदरणीय प्रधानमंत्री और नेता का चयन सब करने वाले हैं। इस ऐतिहासिक घड़ी पे और इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल संविधान सदन में आज हम सब लोग इसके चश्मदीद गवाह बन रहे हैं, ये हम सब का सौभाग्य है। मैं आप सब लोगों की तरफ से और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग जो इस समय संसदीय दल की गतिविधि को देख रहे हैं, उन सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं अपने सभी एनडीए के घटक दल के नेताओं का, मंचासीन और सामने बैठे सभी नेताओं का, अपने हृदय की गहराई से उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देते हैं, जिनके अथक प्रयास, अथक मेहनत हर पल, हर घड़ी, हर दिन
हर वर्ष हर पल पल देश की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित किया और यही कारण है कि आज भारत पुनः इतिहास रच रहा है कि तीसरी बार लगातार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आ रही है। मैं इस घड़ी में इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि जहां हमने लोकसभा में एनडीए ने बहुमत हासिल की और तीसरी बार लगातार, वहीं हमने उड़ीसा में भी अपनी विचारधारा की सरकार बनाई और वहां भी हमें सफलता मिली। मुझे खुशी है आप सबसे ये बताते हुए कि आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार एकतरफा बनती है। और अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार भी हमने अपनी सरकार बनाई। और सिक्किम में भी एनडीए की सरकार बनी है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये एनडीए का विकास यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयास से, उनकी नीतियां रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म देश को आगे ले जाने के लिए जो उन्होंने नेतृत्व किया और फ्रंट से नेतृत्व किया, उसका यह नतीजा है कि आज हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हो रहे हैं। हमें याद है 10 साल पहले उदासीन भारत था, 10 साल पहले भारत के बारे में यह कहा जाता था कि यहां कुछ बदलने वाला नहीं है, और आज 10 साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में वही भारत आकांक्षी भारत बन गया और विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। देश की सरहद मजबूत हुए, देश की सुरक्षा मजबूत हुई, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारत ने अपने आप को स्थापित किया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। वहीं देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा और वहीं गांव मजबूत हुआ, गरीब को ताकत मिली, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, युवाओं के आकांक्षाओं को पंख लगे, हमारे किसानों को मुख्य धारा में लाया गया और हमारे दलितों को सम्मान के साथ आगे बढ़ने का रास्ता रखा। और यह सब संभव हुआ जिस मंत्र को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी चले, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, और उनके परिश्रम के कारण यह हम आज देख रहे हैं और हम अपने नेतृत्व का फिर से चयन करने वाले हैं। मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी के पुनः स्वागत में। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में भी रहकर नाम किया। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े हैं। मैं अपने वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में रक्षा मंत्री रहे आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस सदन में एक प्रस्ताव रखें। आदरणीय राजनाथ सिंह जी,